हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बेटा, क्लास सिक्स में 13वां चैप्टर अपन कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन एक एक क्वेश्चन जो है इसका रह गया था, क्वेश्चन नंबर 10, है ना, इम्पोर्टेंट है। देखो, पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं में एक चुंबक लगाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम एक एवं संभावित कारण प्रभावित कॉलम टू में रखे जाते हैं। कॉलम एक के में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम दो के कथनों से करना है आपको। तो इस तरीके से कॉलम एक और कॉलम दो दे रखे हैं ना, सारणी की तरह दे रखे हैं ना, कोमल दो, ठीक है। कॉलम दो दे रखे हैं इस तरीके से। अब देखो, इसमें कुछ कथन दे रखे हैं। पहला कथन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं। तो पहला कथन दे रखा है कि नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। तो नाव जो है, आपको बेटा मिलान करना है, मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे, है ना। नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है, तो इसका क्या कारण है कि नाव चुंबकीय पदार्थ से बनी हुई है, ठीक है। नाव चुंबकीय पदार्थ से बनी हुई है, तभी तो नाव जो है उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। तो पहला है कि नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। तो आप लिखोगे इसमें कि नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है क्योंकि नाव चुंबकीय पदार्थ से बनी हुई है, ठीक है। तो कॉलम दो का चौथा जो सेंटेंस है वो आएगा इसमें। कॉलम एक का तो पहला जो वाक्य दिया हुआ है वो, और कॉलम दो में चौथा वाक्य दिया है वो आएगा इसके सामने। तो इस तरीके से आप एरो लगा के बता दो कि चौथा, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है ना। फिर इसमें दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती है। भाई, एक पानी का टब लिया है, उसमें नाव है, एक खिलौना नाव है, और उसमें क्या लगाई गई है, चुंबक। और जैसे ही हम अब दूसरी चुंबक को इसके पास ला रहे हैं, तो वो अपन जो है इससे प्रभावित हो, चुंबक जो है वो कोई दूसरी चुंबक उसके पास लेके जा रहे हैं। तो नाव किस तरीके से, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या नाव उसके पास आती है, क्या दूर जाती है, या कोई प्रभाव नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें है ना। अब देखो, है ना, तो खिलौना नाव है और उसके समीप क्या ला रहे हैं, अपन चुंबक को लेके आ रहे हैं, तो प्रभाव देख रहे हैं अपन। तो क्या नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है, तो आप समझते हो कि कब आकर्षित होगी, जब वो किससे बनी हो, चुंबकीय पदार्थ से बनी हो, ऐसा दे रखा है किसमें, चौथे वाक्य में, चुंबकीय पदार्थ से बनी है ना। लिखूंगा नहीं, मैं एक ही सेंटेंस लिख रहा हूँ केवल। अब देखो अगला, देखो नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती है, तो इसमें क्या कारण हो सकता है, तो इसका कारण है, दूसरे सेंटेंस में आ जाएगा बेटा, यहाँ पे दूसरे वाक्य में पांच आ जाएगा, क्योंकि नाव अचुंबकीय पदार्थ से बनी है, तभी जो है उससे आकर्षित नहीं हो रही है। तीसरा दे रखा है कि यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है, तो नाव चुंबक के समीप आ जाती है ना। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग, मतलब आगे वाले भाग के समीप लाया जाता है, उत्तरी ध्रुव ला रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये नाव है, एक यहाँ पे डायग्राम बना के बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये नाव है और ये क्या है, चुंबक है ना, ये क्या है, चुंबक है, और इसका उत्तरी ये है, तो है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब इसमें क्या कर रखा है कि इस उत्तरी ध्रुव को इसके पास में ला रहे हैं, तो क्या क्या हो रहा है कि चुंबक के समीप आ जाती है। तो नाव क्या हो रही है, चुंबक के समीप आ जाती है। तो आप इसमें फिर दे रखा है कि नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्र की भाग हो रहा है, मतलब इसमें चुंबक लगी हुई है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्र भाग, मतलब यहाँ पे कोई चुंबक लगी है जिसका, यहाँ पे कोई चुंबक है जिसका दक्षिणी ध्रुव आगे की तरफ है। तो आपको पता है कि जब इसका उत्तरी ध्रुव इसका दक्षिणी ध्रुव पास आएगा, तो क्या होगा, आकर्षण तभी होता है ना बेटा, मतलब दोनों विपरीत ध्रुवों में क्या होगा, आकर्षण। तो इसमें तीसरा जो वाक्य है उसमें आ जाएगा कि यहाँ पे क्या लगी हुई है, चुंबक लगी हुई, दूसरा वाला जो वाक्य है वो आ जाएगा, है ना। और चौथे में आ जाएगा कि
जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है, और इसमें दे रखा है कि नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग, मतलब उत्तरी उत्तरी ध्रुव दोनों पास आए तो क्या हुआ, प्रतिकर्षण होगा और दूर भागेगी। तो आप बोलोगे पहला जो वाक्य है इसमें आ जाएगा, लिखोगे आप इसके सामने लिख लेना इसको, है ना। अब देखो, नाव बिना दिशा बदले तैरती है, तो इसका नाव की लंबाई के अनुदेश एक छोटा चुंबक लगाया गया है, तो इसमें आ जाएगा तीसरा। इस तरीके से आपको लिखने हैं, मैंने पहले ये जैसे ये लिखे हैं ना वैसे ही आपको सारे इस तरीके से लिखने हैं, इसको आप नोट कर लेना, है ना। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जो है अपन वापस से रिवीजन करेंगे बेटा, क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और पहला चैप्टर कल पढ़ेंगे अपन, है ना। पहला चैप्टर है, नाम है बेटा अपना भोजन, ये कहाँ से आता है, भोजन के बारे में पढ़ेंगे, भोजन कहाँ से आता है और क्या होता है, ठीक है। भोजन में कौन कौन से संघटक होते हैं, क्या क्या अपन खाते हैं, ठीक है, तो ये सारे अपन पढ़ेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में बेटा, बाय बाय।